मध्य प्रदेश के कई जिलों में आफत की बारिश हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जिलों में अति भारी बारिश और 21 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर तेज और मध्यम बारिश हो रही है, जिसके चलते निचले इलाकों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि प्रदेश में सीजन की अब तक 802 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है और प्रदेश के पूर्वी हिस्से के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनता दिखाई दे रहा है। वहीं ट्रफ लाइन उमरिया, बीकानेर, गुना और कोटा के मानसून सिस्टम से होते हुए पूरी और बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जिस कारण इन जिलों में 48 घंटों तक बारिश हो सकती है। कि अभी जो डिप्रेशन सिस्टम बना हुआ था पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर संभाग के आसपास, वो अभी उत्तर पश्चिम की तरफ मूव हुआ है और सागर संभाग के आसपास ये बेलमार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो गया, और साथ में लेकिन संभावना ये है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये फिर से और शक्तिशाली होकर डिप्रेशन के रूप में पुनः उभरेगा। और उसी के चलते हुए पिछले 24 घंटों की बात करें तो सागर में सबसे ज़्यादा 30 सेंटीमीटर और रायसेन में सबसे ज़्यादा 26 सेंटीमीटर, जबकि प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा, जबकि 8 जिलों में एक्सट्रीमली हैवी माने अत्यधिक भारी वर्षा दर्ज की गई है। आगामी 24 से 48 जो घंटे हैं उसके लिए ग्वालियर, चंबल, भोपाल, सागर, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर ऑरेंज अलर्ट है, जहाँ अति भारी वर्षा माने 12 सेंटीमीटर से ज़्यादा अधिक वर्षा, जबकि कुछ जिलों में जैसे निवाड़ी, टीकमगढ़, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, शिवपुर कला और विदिशा, रायसेन, इन जिलों में रेड अलर्ट, जहाँ पे एक्सट्रीमली हैवी रेन माने 21 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश दर्ज हो सकती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।